जय हिंद दोस्तों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत की आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और निरंतर हम सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के आपके वीडियो देख लिया तो आप संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं वो बहुत कुछ आप पे बनने लगेंगे। तो जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने पहला आया है, शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले ये प्रश्न हमने इसलिए दिया है, इसका उत्तर कमेंट में आपको बताना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, तो जब तक हम चौथे नंबर पे आएँ आप इसको कमेंट में बताइए। हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो देखें, पहला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। आपको बता दें संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं, कुल अभी 83 प्रश्न हैं इसमें। फिर और भी अलग अलग सेशन कवि रचनाओं के बने हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज, मात्र आपको 129 रुपये में संपूर्ण संस्कृत साहित्य व्याकरण काव्यशास्त्र भाषा विज्ञान से संबंधित आपके चैप्टर वाइज मिल रही है, उसी में से हमने लिया है। देखिएगा, सुमेलित करना है, मतलब ये बताना है कि कौन सा इनमें से मेल नहीं खाता है। एक तरफ कवि दी है और एक तरफ उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं, ठीक है ना। अब कौन मेल नहीं खाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बता दें कि भारवी जो हैं उनको आत्पत्त तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरवम आपने सूत्र भी सुना होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस बो है, जूम करने पर वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में तो आ रहा है। तो उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिना पदनालित्वम, ये आपने सुनी होगी पंक्ति, माघे संति त्रियोगुणा। तो भारवी अर्थ गौरव आत्पात्र इनकी उपाधियां हैं, ठीक है ना। भावभूति की श्री कंठपद लांछना याद रखिएगा, अवश्यवाक श्रीकंठ, ठीक है, ओम्बेक, ये हैं। कालिदास की हैं उपमा सम्राट और दीपशिखा, दोनों ये सही हैं। डंडी की पदलालित, डंडिना पदलालित, माघ की विद्यत दोषधम, ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, गड़बड़ है, मतलब मेल नहीं खाता है, अलग है। आगे देखते हैं, अगला है अशुद्ध युग्म को चुनिए। फिर अशुद्ध युग्म को चुनना है, जैसे ऊपर था कि इनमें से एक तरफ कवि दिए हैं एक तरफ उपाधि, कवि उनकी उपाधियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए, सोच लीजिए मन में कौन सा सुमेलित नहीं है, ए बी सी डी, आप खुद बताते हैं, समझदार हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि माघ की उपाधियाँ उपमा अर्थगौरव पदलालित तीनों तो हैं ही, माघे संति त्रियोगुणा, मतलब तीनों हैं उनमें, ठीक है। श्रीहर्ष की है, हाँ, विद्यत औषधम, ठीक है ना। वाण की है बाण उच्छिटम जगत सर्वम, सही है। मम्मट की रस कवि, नहीं गलत है, ठीक है ना, डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। अब देखें, माघ की उपाधियाँ हैं दोस्तों, ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ आपको, टेस्ट सीरीज से ले गए हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिल रही है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्ले स्टोर से आप टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत आप जाएं, मात्र 129 रुपये में 2500 से ज़्यादा प्रश्न हैं, 2500 से एक प्रश्न कम नहीं होगा, कई ज़्यादा ही होंगे, आप देखिएगा, जिसमें संस्कृत साहित्य व्याकरण की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, भाषा विज्ञान काव्यशास्त्र, जो जो संस्कृत में आपके पूछा जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB GIC प्रवक्ता की या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन होगा, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उनको छांट करके लिया गया है, आप कुछ प्रश्न देख ही रहे हैं, तो आप तुरंत जाकर के अभी तक ना ली हो टेस्ट सीरीज तो ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन था माघ की उपाधियाँ, जल्दी से आपको कमेंट में उत्तर बताना है, आप पे कितना बनता है, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, आपका जो बनता है वो परफेक्ट हो जाएगा, कहाँ गलती हो रही पता हो जाएगा। कुछ टेस्ट हमने फ्री भी उसमें दिए हैं, आप जब तक नहीं खरीद रहे फ्री टेस्ट लगा लीजिए, आपको पसंद आए ज़रूर ले लीजिए। देखें तो माघ की उपाधियां आपसे पूछी गई हैं, माघ की उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें माघ को घंटा माघ कहते हैं, उपमा है ही, अर्थगौरव उनको उपाधि मिली है, पदलालित तीनों, क्योंकि माघे संति त्रियोगुणा उसमें तीनों आ जाती हैं, ठीक है ना, तो सभी हो जाएगी उत्तर। आगे देखते हैं, पूरा संस्कृत साहित्य का इतिहास आपका कवर होने वाला है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को पढ़िए, ऐसे वीडियो बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं और पूरे वीडियो आपने ना देखे हो, सब्सक्राइब हो सकता है आपने अभी तक ना किया हो, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा हो, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये मैंने दिया था आपके लिए।
हाँ मैं देख रहा था, कुछ मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शिखरणी कवि के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो कौन हैं, तो वह हैं भावभूति। कौन हैं? भावभूति शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, याद रखना। एक और अच्छा प्रश्न आ गया, वाणभट्ट की उपाधियां हैं। बाणभट्ट की उपाधि आपको बतानी है। मैंने देखा कुछ दोस्तों ने जिसने टेस्ट सीरीज खरीद ली है, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, अच्छे अटेम्प्ट ला रहे हैं। जैसे एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन हैं, तो कई तो 50+ भी आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कई 40+ लगा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लगातार टेस्ट लगाते रहेंगे, सफलता मिलेगी। स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे हमारे ऐप में नीचे, तो उसके बाजू में चैट ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं, तो देख लीजिएगा। चलें, तो बाणभट्ट की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपको बतलाना है। जल्दी जल्दी से कमेंट में उत्तर देते जाइए और देखते जाइए कितना बन रहा है, कितनी गलतियाँ हो रही हैं। तो आपको बता दें कि बाणभट्टी की उपाधि है पंच वाणस्तु बाणा जय देवा, बिल्कुल ये उपाधि है। बाणस्तु पंचनाना चंद्रदेवा, ये भी है। बाणी बाणो बभू गोवर्धनाचार्य, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाणभट्ट इससे संबंधित एक आध प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। बहुत छठे हुए संस्कृत साहित्य के प्रश्न हैं। संस्कृत साहित्य में मेन आता है उसके कवि, उनकी रचनाओं, उनकी उपाधियाँ, कभी कभी उनके जन्म स्थान पूछ लेता है। हमारे टेस्ट में सारे जो प्रश्न हैं आते हैं, सब हैं, कुछ नहीं छूटेगा। कालिदास की उपाधियाँ हैं, जल्दी से बता दीजिए। कालिदास की उपाधियाँ, कालिदास को कवि कुलगुरु कई बार पूछा गया, ये उपाधि इनकी याद रखिएगा। रघुकार भी कहते हैं, कविता कामनी विलास भी कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप ए बी सी डी में उत्तर देते जाइएगा, ठीक है ना। इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे करके आप उत्तर लिखते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं, कोई ना कोई उपाधियां कम से कम दो तो आपके पेपर में आनी है। अब क्या पता कौन से कवि की पूछ लें, याद रखिए। तो अंबिका दत्त व्यास की यदि आपसे उपाधियां पूछ लिया जाए, तो आपको लिखना है घटिका शतक, ठीक है ना। घटिका शतक ये उपाधि है अंबिका दत्त व्यास की। शताब्धान, इनके में सत सत लगाया होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो शतक, यहाँ भी शताब्धान, सत मतलब होता है 100। एक है अभिनव बाण, ये याद रखिएगा, नहीं तो बाणभट्ट में अभिनव ऑप्शन दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाए। ये अभिनव बाण किसकी उपाधि? अंबिका दत्त व्यास, अभिनव बाण थे, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी इनकी उपाधियाँ हो जाएंगी। आदि कवि या आर्स कवि उपाधि है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया। आदि कवि या आर्स कवि किनकी उपाधि है? आदि कवि किनको कहा गया? आर्स कवि, पहले कवि, जल्दी से बता दें। इसका सही उत्तर चाहिए, इसमें गलती नहीं चलेगी। जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे प्रश्न हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। ऐप पर भी बहुत फ्री मटेरियल भी दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। अब आप पे क्वेश्चन का आंसर, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं। आदि कवि या आर्स कवि कहलाते हैं महर्षि वाल्मीकि। इनकी रचना कौन सी है? रामायण, ठीक है ना। व्यास की उपाधि से सुशोभित हुए, व्यास की उपाधि से कौन सुशोभित हुए? वाल्मीकि हुए, या वेद व्यास हुए, या पतंजलि हुए, या भरत हुए? तो बिल्कुल नाम ही जब इसमें लिखा है व्यास, तो वेद व्यास ही हैं, ठीक है ना। ऐसा कवि भास की उपाधि, ठीक है ना, भास के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी से इनकी उपाधि बता दीजिए कौन कौन सी हैं। देखें, भास के लिए कविता कामनी हासा कहते हैं, बिल्कुल सही है। भासु हासा भी कहते हैं। अग्निमित्र इनकी उपाधि है, याद रखिएगा। अग्निमित्र किसकी उपाधि है? कवि भास की, पूछ लिया जाए तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य आपको याद कराना, जब आप टेस्ट देंगे आप पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो जिन नहीं बना फिर दोबारा देखोगे तो फिर याद हो जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमें याद है और अपन वही पेपर में लगाने की धारणा भी बना लेते हैं, फिर बाद में जब पता चलता है गलत लगा करके आ गए, तो टेस्ट सीरीज देने से वो धारणाएं सुधरती हैं। तो ज़रूर आप दीजिए रेगुलर। आचार मम्मट की उपाधि कौन सी है? आचार मम्मट, तो आपको बता दें, बाग देवता अवतार, राजानक, ध्वनि प्रस्थापन, परमाचार, उपर्युक्त सभी ये मम्मट की उपाधियां हैं।
इस वीडियो में समय कम भली होगा लेकिन आपको याद बहुत करना है, सब कुछ याद करने लायक है। अभी हम सामान्य प्रश्न लाए हैं, आपको हमारी विस्तार वाली कक्षाएं पढ़नी हो तो यूट्यूब पर ही वीडियो देख सकते हैं या ऐप पर जाकर के वीडियो देखें, और चाहें तो कोर्स भी देख सकते हैं, उसमें विस्तार से हमने ट्रिक से याद कराई हैं, ठीक है ना। फिर उसको ट्रिक से याद कराया समय लेकर के। अभी हमारा है प्रश्न उत्तर पर चर्चा करना, तो वो कर रहे हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आपको बता दें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम एक काव्य की परिभाषा बताई गई है, ये बताई है आचार्य विश्वनाथ जी ने। अब उनका ग्रंथ कौन सा है, इतनी तो हमने बता दी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जल्दी से बता दीजिए, रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं, ये परिभाषा साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है, याद रखिएगा। एक और अच्छी है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण है, किस ग्रंथ का है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, थोड़ी सी प्रिंटिंग वो है, देख लीजिएगा, शुद्ध में बोल रहा हूँ तो देख लीजिए। ते किस ग्रंथ का है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, हाँ ये किसकी है, काव्य प्रकाश की। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं, बहुत फेमस कवि हैं, मैं चाहूँगा कमेंट में उत्तर आप बताइए, नहीं बनेगा तो बाद में मैं तो फिर बता ही दूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कितने लोग सही उत्तर देते हैं, काव्य प्रकाश की रचयिता कौन है। अब देखें, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य का लक्षण प्रतिपादित है, किन के द्वारा प्रतिपादित है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जल्दी से बता दें, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किन के द्वारा प्रतिपादित है? तो यह प्रतिपादित जो है, यह कथन काव्य का लक्षण बताया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक जो शब्द हैं वह कौन है, काव्य है, रस गंगाधर जी ने बताया है, किसने, रस गंगाधर। और देखें क्या बात है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP, यही पूरे हमारे टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, हर चैप्टर के ऐसे ही महत्वपूर्ण। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आपको बता दें कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि को काव्य की आत्मा किन्होंने माना है, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है आनंदवर्धन जी ने, आचार्य आनंदवर्धन जी ने। अब उनके ग्रंथ की बात की जाए आनंदवर्धन के, तो उनका ग्रंथ था ध्वन्यालोक, ठीक है ना, तो ये ध्वन्यालोक से उद्धृत है। और देखें, सारे लक्षण आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप 50 स्टडी ऐप की लिंक दी है, टेलीग्राम पर भी टॉप 50 ड्राम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़िए, हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर वहाँ पर जाकर के आप मटेरियल देख सकते हैं। शब्दार्थौ सहुतौ काव्यम, यह काव्य परिभाषा किससे संबंधित है? कि शब्द अर्थों से सहित ही क्या होता है, जिसमें शब्द हों अर्थ हों वही क्या है, काव्य है। यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? तो आपको बता दें कि यह परिभाषा जो दी गई है वह काव्यालंकार ग्रंथ में दी गई है। किस ग्रंथ की है? काव्यालंकार की। अब ऊपर जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर था मम्मट, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, ठीक है, अब ये बता दीजिए, नहीं बनेगा तो आगे फिर हम बता देंगे, थोड़ा देखें तो आप लोग भी कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कितनी स्मरण शक्ति है, पेपर के टाइम भी तो नहीं भूल जाएंगे। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यह लक्षण किस आचार से संबंधित है? वक्रोक्ति को काव्य का लक्षण किसने बताया है, जल्दी से बता दीजिए, किन आचार से संबंधित है? एक वक्रोक्ति संप्रदाय भी है, उसके प्रवर्तक भी वही आचार हैं, और वक्रोक्ति को काव्य का लक्षण भी उन्हीं आचार्य ने बताया है। अब मैंने इतनी हिंट दे दी तो आप पहचान गए होंगे कि वह हैं आचार्य कुंतक, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी यही हैं। अगला है, रीति आत्मा काव्यस्य, यह लक्षण किस आचार्य का है? बहुत महत्वपूर्ण है, रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले कौन से आचार्य हैं? दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें वीडियो, हमें आपका रिस्पांस पता चलता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं,
नहीं तो क्वेश्चन का फिर तरीका चेंज करेंगे, ठीक है ना। और कोई अपनी बात आपको बोलनी हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट में बता देना, जिससे और उसके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन लाएंगे। वैसे मैं पूरा कवर कर रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले हैं आचार्य बामन, याद रखना ये रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। प्रश्न आ जाए रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य बामन हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ आचार दिए हैं, एक तरफ उनका दर्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताना है आपको, सुमेलित करना है। तो पहले दिया है भट्ट लोल्लट, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है बिल्कुल सही, और मीमांसा भी है, तो ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पर ये बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इसका भाव ये समझना सुमेलित कीजिए का, मतलब जोड़ी नहीं, यहाँ पर कौन सा आपस में मैच नहीं कर रहा वो बताना है, ठीक है। संकुक आचार जो हैं उनका अनुमतिवाद है बिल्कुल है, और न्याय भी है, न्याय दर्शन, ठीक है। तो अनुमतिवाद और न्याय, आचार संकुक का, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब कभी कोई काम किसी ने बताया कि भैया आपको पूरे टेस्ट हमारे सही लगाने हैं, तो आप पर क्या हो जाएगी, शंका हो जाएगी। अनुमति तो दे दी हमने कि हाँ आप लगाइए, लेकिन शंका हो जाएगी कि पता लगा पाए ना लगा पाए, फिर न्याय करना पड़ेगा, कितने नंबर आए उससे न्याय होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं भट्ट नायक, ठीक है ना। तो भट्ट नायक भुक्तिवाद और सांख, आजकल के जो नायक हैं जिनको अपन टीवी एक्टर बोलते हैं, भुक्तिवाद में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। सांख्य दर्शन का भी यही कहना है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है ना, कर्जा लेके घी पियो। तो वही भट्ट नायक से याद रख सकते हैं, भुक्तिवाद और सांख्य दर्शन। ऐसे हम ट्रिक बताते हैं जब जो पढ़ाते हैं, अभी तो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। जो विस्तार से हमारी कक्षाएँ आपको मिलेंगी हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल या टॉप 50 स्टडी ऐप पर, तो ऐसे ही अपन को याद करना है। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जल्दी से बता दी, तो अभिव्यक्तिवाद और शैव वेदांत, ठीक है ना, इसके हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी ये ठीक हो जाएगा इसका उत्तर, ये याद रखना सभी के। सुमेलित कीजिए, फिर से आ गया है 20वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये प्रश्न है, याद रखना। एक तरफ देव दिए हैं, एक तरफ शंख दिए हैं, ठीक है। अब आपको सुमेलित करना है, ये यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से देखो आपको बता दें, श्री कृष्ण पांचजन्य, ठीक है, युधिष्ठर अनंत विजय, ठीक है, भीम पौंड्र, ठीक है, अर्जुन देवदत्त, ठीक है, नकुल सुघोष, ठीक है, सहदेव मणिपुष्पक, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो सब सही है, देव और संघ उपर्युक्त सभी होना चाहिए, ठीक। धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, नायकों के आपने भेद पढ़े होंगे, तीन प्रकार के जो भेद प्रमुखता से होते हैं। तो धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत आदि जो नायक के भेद हैं, तो धीरोदात्त नायक की कोटि में कौन आएंगे इनमें से। धीरोदात्त जो बहुत गुणवान होते हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ नायक माने जाते हैं धीरोदात्त, तो वो तो राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे और अर्जुन भी। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब धीरोद्धत आ गया, धीरोद्धत कोटि के नायक कौन हैं। धीरोद्धत कोटि के नायक, ठीक है, मतलब जो थोड़े क्रोधी होते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है जल्दी, बहुत बलवान भी होते हैं, तो वो धीरोद्धत हैं। तो भीम, परशुराम, दुर्योधन, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। तीनों दी याद रखना, एक ना एक नायक पूछ सकता है, तीन धीरोदत्त हैं, राम कृष्ण और अर्जुन क्या हैं, हाँ धीरोदात्त हैं, और ये धीर ललित आ गया। धीर ललित कोटि के नायक कौन हैं, धीर ललित जल्दी से बता दीजिए। हाँ यक्ष और उदयन दोनों क्या हैं, धीर ललित हैं, उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। धीर प्रशांत आ गए, ठीक है ना, धीर प्रशांत चारों आ गए, तीन प्रमुख बताए थे वो और एक धीर प्रशांत, चार आ गए। धीर प्रशांत कोटि के नायक चारुदत्त, दुष्यंत, चंद्रापीड या शिवाजी, जल्दी से बता दीजिए। तो
तो धीर प्रशांत जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएगा, नायक चारुदत्त, ये वेश्या पर मोहित थे, ठीक है ना। अब देखें बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, एक ना एक इसमें से भी आपके प्रश्न आने वाला है परीक्षाओं में। जैसे आया है कि यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, या फिर सभी सुमेलित हैं, किस प्रकार से दिया है वो आपको बताना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक माढ़ विदूषक कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम में, माढ़ बिल्कुल हैं, याद रखिएगा। मृक्षकटिकम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विदूषक मैत्रेय, मृक्षकटिकम का विदूषक कौन है, मैत्रेय हैं। रत्नावली का विदूषक कौन है, वसंतक है। स्वप्नवास दत्तम का भी कौन है, वसंतक है। विक्रोम वर्षीयम का कौन सा है, माणवक है, याद रखिएगा विक्रोम वर्षीयम का माणवक है। और मालविकाग्री मित्रम के कौन है, गौतम है। तो इस प्रकार से विदूषक और आपको नाटक याद रखने हैं, ठीक है ना। ये नाटक दिए गए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का हो गया ऐसे, ठीक है ना, मृक्षकटिकम शूद्रक का हो गया ऐसे, याद रखिएगा आप लोग कलम से। तो ये सब क्या हैं, ये नाटक हैं, ये क्या हैं, उनके विदूषक हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे। अभी शायद नायकों की बात में मुझे याद है कि मैंने शायद तीन बोल दिए थे गलती से, तो उसमें चार आप कर लीजिएगा जहाँ तक याद आ रहा है। देखें आगे, किस ग्रंथ में विदूषक का अभाव है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें विदूषक नहीं है, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का जिसने उत्तर बता दिया है मान जाऊंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है, समझ लो शिक्षक बनने वाले हैं संस्कृत के। अब बता दो जल्दी से, किस ग्रंथ में विदूषक का अभाव है, जिसने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे दी होगी वो तो आसानी से बता देंगे, उन्हें पता चल गया होगा, लेकिन बाकी बता करके दिखाओ, जिन्हें टेस्ट सीरीज अभी नहीं ली है वो बता करके दिखाएं। तो आपको बता दें कि मालती माधव में भी विदूषक नहीं है, महावीर चरित्र में भी विदूषक नहीं है, उत्तर रामचरित में भी विदूषक नहीं है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, इन तीनों ग्रंथों में विदूषक नहीं है, संस्कृत साहित्य के तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा वो हो गया। वादरायण किस ग्रंथ का कंचुकी है, वाद नारायण किस ग्रंथ का कंचुकी है। दोस्तों वीडियो पूरा होने के बाद तुरंत आपने अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया हो जरूर करना, टॉप 50 स्टडी ऐप को, बहुत महत्वपूर्ण आपको वहाँ पर चीज़ें आपसे संस्कृत से संबंधित मिलेंगी। तो आपको बता दें कि बादर नारायण कंचुकी स्वप्नवास दत्तम के भी हैं, दूतवाग के भी हैं और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के भी हैं तीनों, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर। मैं चाहूँगा कि अब आप बताएं कि स्वप्नवास दत्तम, दूतवाक्यम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण किसके नाटक हैं, ठीक है ना, बन जाएंगे, सरल है क्वेश्चन। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, गद्यत्रयी, पत्रत्रयी, मुनित्रयी, ये सारे आप पांचों ये जो प्रमुख त्रयी हैं उनको तो याद रख ही लीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड है, सर्च करके देख सकते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपको बता दें जो ग्रंथ आते हैं, कृतार्जुनीयम आता है, ठीक है, शिशुपाल वध माक का जो है वह भी आता है, और नैषधीय चरितम भी आता है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब बता दें लघुत्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो लघुत्रयी में एक बात याद रखना आप कि कालिदास की रचनाएं हैं तीनों लघुत्रयी में आती हैं, किसकी आती हैं, कालिदास की, ठीक है ना, कालिदास की रचनाएं ही तीनों लघुत्रयी में आती हैं। तो इसमें राज जोड़ लें, रघुवंशम ये तो आती है, रघुवंश महाकाव्य, ठीक है, कुमार संभव भी आती है, और मेघदूतम, मेघदूत तीनों किसकी हैं, कालिदास की। हमने इसकी रचनाओं की ट्रिक पढ़ाई थी रमेकर MBA, राशि रघुवंश में से मेघदूत ऐसे पढ़ाई थी ना। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। 31वें प्रश्न में बात करते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास पर, हम चर्चा कर रहे हैं कि गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं, गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, तो वो आपको बतलाना है। तो एक तो आ गया वासदत्ता, इसको स्वप्नवास दत्ता भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कादंबरी वाणभट्ट की जो कादंबरी है वो है, ठीक है, और दस कुमार चरित्र अगला ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको क्या लगता है दोस्तों क्या होगा,
तो ये तीनों ही ग्रंथ क्या गद्य त्रयी गद्य बृहत त्रयी में आते हैं। त्रयी से संबंधित एक या दो प्रश्न आने हैं, आप ये सोच करके रख लो, ठीक है ना। अभी मैं 3-4 प्रश्नों में लगातार आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ, याद कर लीजिएगा। जैसे हमने बृहत त्रयी की बात की तो वासदत्ता, कादंबरी, दस कुमार चरित्र तीनों किस में आ गए, गद्य त्रयी में। अब प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो प्रश्न रखे गए हैं कि आप टेस्ट तो दें लेकिन साथ में आपकी तैयारी कंप्लीट हो, बिल्कुल विषयवार आपको क्रम से कंप्लीट हो जाए, इस बात को ध्यान रख करके आपके टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है केवल 129 रुपये में, जो हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिल रही है। तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो आपको बता दें प्रस्थान त्रयी की बात हो, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये तीनों प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ठीक है ना। प्रस्थान त्रयी, त्रयी मतलब होता है तीन, तो ये आएंगे। अब मुनि त्रयी, कई बार पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुनि त्रयी के अंतर्गत कौन किसको लिया जाता है, मुनि त्रयी, ठीक है ना। तो एक तो मुनि त्रयी जो पाणिनी हैं वो अष्टाध्यायी की रचयिता हैं, कई बार आता है, ठीक है ना, व्याकरण का ग्रंथ है। अच्छा, इसके बाद कात्यायन और बररुचि, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड में ऑप्शन है पतंजलि। यहाँ पर दो क्यों दिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में मान लो ऐसा दिया है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो भी आप ठीक मान लीजिएगा, मुनि त्रयी में ले लीजिएगा। या फिर दिया है पाणिनि, बररुचि और पतंजलि, तो आपको उपर्युक्त सभी मतलब तीनों हैं, ठीक है ना। पाणिनि, कात्यायन, बररुचि में से एक ऑप्शन होगा आपके पेपर में, या फिर ऐसे ही होगा, और पतंजलि। इस प्रकार से आप इन तीनों को याद रखिएगा, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ये सबसे ज़्यादा मुनि त्रय में इनके नाम आते हैं। एक और देखें त्रयी, पाषाण त्रयी के अंतर्गत आते हैं, पाषाण त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का यदि पूछना पड़ता है ना, जब प्रश्न पेपर में हाई लेवल का थोड़ा उन्हें प्रश्न देना हो संस्कृत में, तो फिर ये प्रस्थान त्रयी, ये पाषाण त्रयी दे देंगे, या प्रस्थान त्रयी भी दे सकते हैं। तो पाषाण त्रयी के अंतर्गत जो आते हैं, आपको बता दें कृतार्थ नियम का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, ठीक है ना। कृतार्थ नियम जो है उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग आते हैं। मेरा पिछला वीडियो जो संस्कृत साहित्य का था उसमें मैंने बताया था कृतार्थ नियम के रचयिता कौन है, आपको याद होगा तो कमेंट में तुरंत लिख दीजिए कृतार्थ नियम किनकी रचना है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली काव्य की परिभाषा आ गई, वेरी वेरी आईएमपी। देखें पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप बताएं। उससे पहले आपको बता दें जिस टेस्ट सीरीज में से मैंने प्रश्न लिए हैं उसके बारे में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए यदि आपने संस्कृत विषय को चुना है, आप अपना आकलन करना चाहते हैं तैयारी अभी कितनी हुई, तो संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत व्याकरण के जितने चैप्टर हैं सब आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, साहित्य के जितने चैप्टर हैं वो मिलेंगे, साथ ही साथ काव्य शास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान, सब आपको मिलने वाले हैं। 2500 से अधिक प्रश्न होंगे, एक भी प्रश्न 2500 से कम नहीं होगा, 2499 आपको लगे कहीं से गिन के बता दो तो पैसे वापस हो जाएंगे, और 3000 प्लस देखना आप इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे 2500 लिखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। एक एक टेस्ट में कम से कम 60 प्रश्न रखे गए हैं, कुछ टेस्ट छोड़ दें जिनमें 40 या 50 होंगे, वह 60 प्लस क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण आपको केवल 129 रुपये में अभी विशेष ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। कभी भी ये कंपनी की तरफ से ऑफ़र बंद हो जाएगा तो इसके रेट फिर जो पहले थे 199 रुपये वो कर दिए जाएंगे। तो मेरा निवेदन होगा ये विशेष ऑफर के तहत आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, तुरंत जाकर के अभी आपने अब डाउनलोड ना किया हो टॉप 50 स्टडी को डाउनलोड कर लें, और कर लिया हो तो तुरंत टेस्ट सीरीज अभी ना ले पाए हो तुरंत ले लें। कोई दिक्कत आए तो स्टोर के बाजू में चैट बॉक्स है, उसमें जाकर के आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में भी आप अपनी बात लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो तुरंत जाकर के टेस्ट सीरीज ले लें, और आज से ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट लगाना प्रारंभ कर दिया है, आप भी टेस्ट लगाना प्रारंभ कर दें। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। हाँ बिल्कुल, आप सोच लीजिए, जैसे हम बात करेंगे वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
तो ये साहित्य दर्पण के रचयिता जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं उन्होंने यह काव्य की परिभाषा दी है। ये भी कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसयुक्त वाक्य को इन्होंने काव्य कहा है। अब यहाँ पर पूछी गई है पंडित जगन्नाथ जी की, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज में कई लोगों को दिक्कत आती है खरीदने में, खरीदते टाइम वो क्या करते हैं पेरेंट्स के रूप में अपना लॉगिन कर लेते हैं। आपको स्टूडेंट के उसमें करना है, कोई भी दिक्कत आए तो मैंने बोल दिया है कि आप इसी वीडियो के कमेंट में या हमारे किसी वीडियो के कमेंट में लिख दें, या ऐप डाउनलोड करने के बाद चैट बॉक्स आपको दिखेगा नीचे, तो उसमें जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पंडित जगन्नाथ जी की बात करें तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, मतलब जो रमणीय हो अर्थ को का प्रतिपादन करने वाले, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द हैं उसी को क्या कहा है, काव्य कहा है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ जी ने, ठीक है ना। इन्होंने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा है। आप चाहें आगे काव्य की परिभाषाओं में आएगा तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य की परिभाषा किसने दी कि शब्द और अर्थ से सहित जो है वह काव्य है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने काव्य शास्त्र कितना पढ़ा है। जो लोग निरंतर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनकी तैयारी ये हो रही है, सब उन्हें प्रश्न के बारे में जानकारी लग रही है, आप पीछे ना रह जाएं। इच्छाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है कहाँ पर होता है? इच्छाकुवंशी राजाओं का निरूपण यहाँ पर चार ग्रंथ दिए गए हैं, आपको बताना है कि इच्छाकुवंशी जो राजा हैं, ठीक है ना, उनका निरूपण कहाँ पर मिलता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में आ जाए तो रघुवंश, क्योंकि यहाँ पर राजा रघु से लेकर के राम इत्यादि तक, ठीक है ना, दिलीप राजा रघु, इन सब का क्या है उसमें वर्णन है, दशरथ का, सबका। रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी की रचना है, ठीक है ना। मेघदूत भी कालिदास जी की है इस प्रकार से, और कादंबरी बाणभट्ट की, तो ऐसी रचनाएं भी हम क्रम क्रम से आपको पढ़ाते जाएंगे। हर कवि के कवि से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, हर रचनाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, सारे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है किससे है? अष्टाध्यायी ग्रंथ किस चीज़ से संबंधित है, उसका वर्ण विषय क्या है? बहुत फेमस ग्रंथ है, आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, मतलब व्याकरण का ये मूल ग्रंथ है, आप समझ लें, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद की यदि आपसे बात पूछी जाए तो सबसे जो पहला वेद है वही सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद। एक और क्वेश्चन आता है कि वेदत्रयी में कौन आते हैं, क्योंकि पहले वेद तीन ही थे, ठीक है ना, तो उनको लिया वेदत्रयी में। तो आपको बताते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आते हैं, अथर्वेद नहीं आता, ठीक है ना। वेदत्रयी की बात पूछ लें तो ये तीन वेद आते हैं, ये भी याद रखिएगा, त्रयी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका हो गया। ऋग्वेद में पूछ लेते हैं कई बार क्या है, तो उसमें ऋचाएँ हैं, ठीक है ना, इसके मंत्रों को ऋचाएँ कही गई। गान इत्यादि का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। हमारा जो संस्कृत का कोर्स है उसमें हम आपको विस्तार से तो पढ़ा ही रहे हैं, जो लोग ने लिया है, ठीक है ना, 399 रुपये का हिंदी प्लस संस्कृत का कॉमन कोर्स है, आप चाहें तो वो भी देख पाएंगे, ऐप पर जा करके आप देख सकते हैं उस कोर्स को। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, ये छंद महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उससे संबंधित, क्योंकि कृतार्जुनीयम हर पेपर में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यदि छंद पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है वंशस्थ छंद। कौन सा? वंशस्थ। पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, अभी वेदों की संख्या पढ़ी थी अपन ने चार, अब यहाँ पर पुराणों की संख्या आ गई, तो पुराणों की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो पुराणों की संख्या, हाँ बिल्कुल, ये सरल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें, बिल्कुल सही, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखना 18 है पुराण। कृतार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। कृतार्जुनीयम में क्या है, क्रात रूप में भगवान शंकर रहते हैं, अर्जुन इनके युद्ध का वर्णन है कृतार्जुनीयम में, याद रखिएगा इसका वर्ण विषय ये है। अब इसमें क्या होता है कि अर्जुन जो है वह भगवान शंकर से किस अस्त्र को प्राप्त करते हैं,
ठीक है ना, भगवान शंकर प्रसन्न होकर इन्हें कौन सा अस्त्र देते हैं अर्जुन को, तो याद रखिएगा उन्हें देते हैं पाशुपत। कौन सा देते हैं? पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर अर्जुन के लिए सौंपते हैं। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता, अभी ऊपर बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बृहत्त्रयी में किसको नहीं गिना जाता है, जल्दी से बता दीजिए कौन नहीं आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि लघुत्रयी में एक याद रखना ट्रिक कि तीनों कालिदास की रचनाएं आती हैं, तीनों रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। पिछले वीडियो हमने बताया था, आपने ना देखा हो तो टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा और संस्कृत साहित्य लिखिएगा तो वही वीडियो दिख जाएगा। वीडियोज़ में जाके देख लें, प्ले लिस्ट में जाके देख लें, आप ढूंढ सकते हैं, ऐप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे तो वहाँ तो मैं लिंक भेज ही देता हूँ क्लास के पहले, टॉप 50 स्टडी। डिस्क्रिप्शन में ऐप की भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, चलिए ये भी बता दिया। तो अब बता दें कि रघुवंश जो है वह कालिदास जी की रचना है और बृहत्त्रयी में कालिदास की एक भी रचना नहीं आती, याद रखना। यदि चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक भी रचना कालिदास की है, दे ही देते हैं अधिकतर, तो आप समझ लेना कि यही बृहत्त्रयी में नहीं आती। अभी याद करने के लिए कौन कौन से आते हैं, तो कृतार्जुनीयम, नैषधीचरितम और शिशुपाल वधम, ठीक है ना। कृतार्जुनीयम, नैषधीचरितम, श्रीहर्ष की जो नैषधीचरित है, शिशुपाल वध माघ कवि की है। तो ये किसमें आती हूँ, कृतार्जुनीयम का इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको कमेंट में बताने के लिए बोला है, पहले आपके देख लें, पर लास्ट में हम बता देंगे ज़्यादा होगा तो, ठीक है ना। एक आदाब भी बताते जाएं साथ में, वर्ण विषय तो मैंने बता ही दिया है। तो इस प्रकार से बृहत्त्रयी में रघुवंश को नहीं गिना जाता है, बाकी इन तीन को गिना जाता है। नहीं तो आप सोचो रघुवंश तो महाकाव्य, इसको क्यों नहीं गिना जाता, तो ऐसा नहीं है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम है, यह रघुवंश महाकाव्य से ही संबंधित है। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। पात्रों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है ना। अब कितने डिटेल में पूछना है वो परीक्षक के ऊपर आधारित है, लेकिन आपको तो इतना करना है कि वो पूछ ले तो हमें नंबर नहीं चूकना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से तो होता है, दो चार प्रश्न आप पे नहीं बने, सिलेक्शन से चूक गए, और जिसने इन प्रश्नों को पढ़ा होगा, ये टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। तो आपको बता दें सुदक्षिणा, ठीक है ना, सुदक्षिणा राजा दिलीप की पत्नी का नाम। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, कई बार पूछा गया, मैंने ये प्रश्न देखा, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो रघुवंश में नहीं होता, कृतार्जुनीयम में नहीं होता, और देखते हैं शिवराज विजय या कादम्बरी, इन दो में से है। चलो अब इन दो में से तुक्का लगा दो भाई, चार में से नहीं बन रहा है तो किस्मत पता चल जाएगी आपको। तो आपको बता दें कादम्बरी में सालमली वृक्ष का वर्णन है। और देखें पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की। पुत्र प्राप्ति की कामना से जो राजा दिलीप थे, इन्हीं के वंशज आगे चल के राम हुए हैं, तो इन्होंने मतलब गो सेवा की थी, किन ऋषि के आश्रम में की थी। तो आपको बता दें इन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गो सेवा की। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, धर्म के कितने लक्षण बताए गए मनुस्मृति के अनुसार। संस्कृत साहित्य के सभी कवि की संबंधित रचनाओं संबंधित सारे प्रश्न आपको इसमें मिक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो और साथ में ये भी याद रखना है कि कोई भी उत्तर देते समय पहले आप ये भी देखा करें कि हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, आप ये पढ़े रहते हो फिर भी गलती करके आ जाते, उससे बचना है। तो मनुस्मृति में 10 हैं टोटल धर्म के लक्षण। मैं बीच में बात क्यों करता हूँ कि इतने में आपको समय मिल जाए, आप चुप तो बैठा नहीं रहूँगा, तो मैं सोचता हूँ चलो जिसमें व्याख्या ज़रूरी लगती वहाँ व्याख्या हो जाती है। ऐसा अर्जुन के धनुष का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, महाभारत देखते होंगे तो, कि वो कहते हैं भैया उठाओ अपने गांडीव को, ठीक है ना, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव, याद रखिएगा गांडीव। ठीक है ना, शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम, अमात्य मतलब होता है मंत्री, जो अलग कर देना, ठीक है ना। प्रधान अमात्य कौन थे, प्रधानमंत्री, तो उनके जो मंत्री थे शूद्रक के अमात्य थे, ठीक है ना, तो वह कौन थे, तो वह थे आपको बता दें कुमार पालित। कौन थे, कुमार पालित।
और देखें, उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? जल्दी से बता दीजिए। उत्तर रामचरित इससे संबंधित एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं, संरचना से संबंधित, ठीक है ना। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो बताएं समाज एवं संस्कृति का वर्णन है तो आसानी से बन जाएगा रामायण कालीन, ठीक है ना। लव कुश इत्यादि का वर्णन किया गया है, करुण रस प्रधान है। कई बार ये भी पूछा जाता है उत्तर रामचरित में कौन सा रस प्रधान है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको लगाना है करुण रस। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लेखित है? जल्दी बता दें, गीता का उपदेश महाभारत के कौन से पर्व में है, ठीक है ना। कई बार ऐसे पूछ लेता है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है, ठीक है ना, भगवत गीता का विषय। तो आपको बता दें कि जो गीता का उपदेश है, ठीक है ना, वो उसमें फिर और भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गीता के उपदेश महाभारत के अंतर्गत लिया गया है। और गीता का जो उपदेश है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया जब वो युद्ध नहीं कर रहे थे, तो वह लिया गया है भीष्म पर्व से। वो वर्णन कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्व से, ऐसे याद रखना। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मंगलाचरण का प्रकार नहीं है? तो वस्तु निर्देशात्मक तो होता है मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक भी होता है और नमस्कारात्मक भी होता है। तो कौन सा नहीं है? उपासनात्मक नहीं होता मंगलाचरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उपासनात्मक। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, महाभारत या रामायण इनसे संबंधित आश्रित ग्रंथ पूछ लेते हैं एक आध प्रश्न, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ दिए गए हैं उनमें से आपको बता दें कि महाभारत पर जो आधारित ग्रंथ नहीं है वह है स्वप्नवास दत्तम, ठीक है ना, स्वप्नवास दत्तम। बाकी नैषधीय चरितम तो है ही, श्रीहर्ष जी का वैणी संहार भी और शिशुपाल वध भी है। ये तो किससे संबंधित है? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो शिशुपाल का वध किया था, ठीक है ना, तो ये तो है ही, माँ की रचना है। तो इस प्रकार से स्वप्नवास दत्तम नहीं है। धूता पात्र है, धूता किसकी पात्र है? सबसे ज़्यादा यदि पात्र पूछे जाएंगे ना, तो आपको बता दें किस रचना में से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा यदि कोई कहे पात्र पूछे जाते हैं तो आपको बता दें मृक्षकटिकम में से पूछे जाते हैं। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, मृक्षकटिकम का मतलब होता है सोने की बैलगाड़ी। अब इसकी आप कथा को पढ़ेंगे पूरा, हमने तो विस्तार से पढ़े हैं चूँकि जब शास्त्री की थी ये ग्रंथ, तो आपको पता चल जाएगा। चलें, तो मृक्षकटिकम का ये हो गया कि धूता इसका पात्र हैं। आगे देखते हैं, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है कौन से ग्रंथ में होता है? भी ये गंगा यमुना के संगम का वर्णन तय होता है, आपको बता दें महाकाव्य है कालिदास जी का, कौन सा? रघुवंश महाकाव्यम में, ठीक है ना, रघुवंश में होता है। ऐसे सुंदर सुंदर और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तो एक टेलर है केवल। ऐसे 2500 प्लस प्रश्न हैं, मैं यहाँ पूरे नहीं पढ़ा पाऊँगा, कुछ दो चार टेस्ट ले आऊँगा, बाकी तो आप टेस्ट सीरीज अभी तक ना ली हो मित्रों। 129 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी विशेष ऑफर भी चल रहा है, केवल 129 में मिल रही है, इसलिए आप तुरंत जा करके अभी ले लें, सोचा विचारी ना करें। और ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मैं बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी वीडियो के लिंक दी रखी है, आप इसी वीडियो के चैट में मेरे से बात कर सकते हैं, ऐप पे जा करके जब चाहें आप तब मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, कोई दिक्कत होती है तो। आगे देखें, भवत छिद्रस्तंबक पाद पासंबह में भवत छिदा किसका विषण है, विशेषण है, ठीक है ना। विशेषण वो हैं जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं, तो किसका विशेषण है? त्रयंबक का नहीं है, त्रयंबक पात का नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ पांसवाह का है, ठीक है ना, किसका विशेषण है? पांसवाह का है, लास्ट में दिया ना पांशवा।
त्रियंबक पाद पांसुबाह। तो भवच्छिदा किसका विशेषण है? पांसुबाह का विशेषण है। और देखें, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ये साहित्य का है, ऐसे ही व्याकरण के प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में हैं और साहित्य के भी हैं, काव्य शास्त्र के भी हैं, सारी संस्कृत आपकी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत समझना केवल साहित्य है, व्याकरण भी संपूर्ण है पूरी। तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपको बता दें 18 अध्याय हैं, कुल 18 18, ठीक है ना। कादंबरी में वर्णन नहीं है, कादंबरी में चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसका वर्णन नहीं है? तो आपको बता दें कि कादंबरी में अक्षोद सरोवर का तो वर्णन है, सालमली वृक्ष का तो है ही मेन है, पूछ लेते हैं कादंबरी में किस वृक्ष का वर्णन है, तो सालमली वृक्ष का है, ठीक है। पंपा सरोवर का भी है, हाँ मरीची आश्रम, ठीक है ना, मरीची आश्रम का वर्णन नहीं है, मरीची आश्रम यहाँ पर लग गया, तो मरीचिम आश्रम इस प्रकार से इसका वर्णन नहीं है। देखें, चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? किसके मन में ऐसा आया कि हम चंद्रापीड का राज्याभिषेक करें? जल्दी से बता दीजिए, पात्रों से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न ये होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि तारापीड को इच्छा हुई थी कि चंद्रापीड का राज्याभिषेक करें। जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित ये प्रश्न है, कौन सा वह स्थान था जहाँ पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, ठीक है। तो इसी कारण से तो राजा को प्रमाण नहीं दे पाई कि आप आए थे हमारे पास, अब अंगूठी नहीं थी उसके पास, तो वो कौन सा मतलब स्थान था? तो आपको बता दें कि सची तीर्थ में गिरी थी। कौन से तीर्थ, कहाँ पर? सची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिर गई थी, याद रखिएगा। रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की? रघुवंश महाकाव्य है कालिदास जी की रचना, उसमें नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी, कौन से राजा थे इसमें? पूरे रघुवंश के जितने राजा हुए हैं उनका वर्णन है। तो आपको बता दें कि नंदिनी की सेवा, नंदिनी मतलब गौ सेवा के लिए कहा गया था कि आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो आप गाय की सेवा कीजिए। किन से ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि किसने पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा की, तो वो है राजा दिलीप। तो नंदिनी की सेवा किसने की थी? राजा दिलीप ने की थी, ठीक है ना, रघुवंश में, याद रखिएगा। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। कृतार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो बता दें, इन्हीं तीन में से उत्तर है, ये कृतार्जुनीयम के ही तीनों पात्र हैं, ठीक है ना, पांडवों का उसमें वर्णन किया गया है। तो आपको बता दें कि कृतार्जुनीयम में वनेचर जो है युधिष्ठिर से वार्तालाप करता है, किससे करता है? युधिष्ठिर से। एक और बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है, देखिएगा। तो इन प्रश्नों पर आगे हम चर्चा करें, उससे पहले बता दें कि आपको यदि शिक्षक बनने का लक्ष्य संस्कृत भाषा को चुना है तो निश्चित ही अब अपने आकलन को आपको करना है, क्योंकि पेपर के पहले आकलन ही महत्वपूर्ण होता है। तो संस्कृत व्याकरण, साहित्य, काव्यशास्त्र, जो भी आपके सिलेबस में है, सब कुछ मिलाकर के एक टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 2500 प्लस इसमें क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज ही हैं और मिक्स भी हैं, जो आपके लिए उपयोगी है। केवल 129 रुपये का भी विशेष ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, टॉप 50 स्टडी ऐप को। इस ऐप की लिंक भी इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कोई दिक्कत आपको आती है खरीदने में, टेस्ट सीरीज लेने में, तो आप कमेंट में हमें उत्तर बता सकते हैं, या फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे हमारे YouTube पर, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे हमारे ऐप पर तो स्टोर के बाजू में चैट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ले लीजिए दोस्तों, 129 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब ये दिला सकता है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कारगर होगी। तो अब बता दें कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है, ये टेस्ट सीरीज के ही प्रश्न हैं, ये जो देख रहे हैं ना इतने अच्छे अच्छे प्रश्न, और पहले भी लाए हैं, तो टेस्ट सीरीज के हैं, इससे आपकी तैयारी बहुत गूढ़ हो जाएगी। तो देखें, आपको बता दें कि व्याकरण के त्रिमुनियों में शाक्यायन नहीं आते हैं, बाकी
महर्षि पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या बररुचि, जो भी नाम लिखा आ जाए इन दो में से, या कात्यायन की जगह बररुचि भी हो सकता है। तो ये तीन क्या है, व्याकरण के त्रिमुनियों में आते हैं, मुनि त्रयी भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। दस कुमार चरित्र में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है, दस कुमार चरित्र कितने उसमें किसमें बटा है, उच्छ्वासों में, तो उसमें कितने उच्छ्वास हैं दस कुमार चरित्र में, जल्दी से बता दीजिए। तो दस कुमार चरित्र में उच्छ्वास पूछ लिए जाए तो आपको टिक लगाना है आठ, कितने हैं, आठ उच्छ्वास हैं। कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, कई लोग बोलते हैं सर आपसे जुड़ना है, तो मैंने बताया था चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो हमारे हर वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन आएगा। और पीडीएफ नोट्स और जानकारी के लिए टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर सर्च करें। और ऐप भी हमारा इसी नाम से है, उसको तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, कुछ वहाँ पर फ्री टेस्ट भी हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी है, उसका आप उपयोग कीजिए, आपको आपके उपयोग का लगता है, कुछ ख़रीदना भी चाहें तो बहुत कम रुपए में आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है, इतने देर में आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया, बेत्रबती। उत्तर बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा कमेंट में। कृतार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है मैंने देखा परीक्षाओं में। तो कृतार्जुनीयम का जो कथानक लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, महाभारत से, ठीक है ना, इसमें वही तो है पांडवों का वर्णन है, कौरवों पांडवों का, तो महाभारत से लिया गया है। ऐसे राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन है, ठीक है ना, राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन जल्दी से बता दें कहाँ पर किया गया है, तो इसका वर्णन मिलता है इन चार ग्रंथों में से, आपको बता दें दस कुमार चरित्र में, ठीक है ना। करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना है, करुण रस को प्रधान रस किसने माना है, चार कवि आपको दिए गए हैं, संस्कृत साहित्य की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी जो आपके सिलेबस में है, व्याकरण की तैयारी हो जाएगी जो सिलेबस में है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और आप हमारे और वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप लेट हमसे जुड़ रहे हो तो वीडियो देख लीजिएगा, चलें तो बता दें आप जल्दी से। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही, भावभूति जी ने क्या माना है, करुण रस को सर्वोत्तम रस माना है। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है, सीता का परित्याग करने के बाद जब पुनः राम और सीता का मिलन हुआ वो वर्णन, वो वर्ण विषय किसका है, चार ऑप्शन दिए हैं जल्दी से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल लाइव चैट में उत्तर देते जाएं तो लाइव देखते जाएंगे, कमेंट में देते जाएं, बाद में वीडियो देख रहे हैं आप लाइव नहीं देख पाते हैं, डेली रात को 8:30 पर हम लाइव आते हैं इन वीडियो को लेकर के, आप मान लो किसी कारणवश उस टाइम ना जुड़ पाएँ तो अभी कमेंट में दें। तो उत्तर रामचरित, ठीक है ना, इसमें करुण रस प्रधान है, याद रखिएगा, करुण रस के ऊपर बात आई थी तो उसमें यही रस प्रधान है, उसमें राम सीता के पुनः मिलन का वर्णन है। उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है, अब उत्तर रामचरित यहाँ कह ही रहे हैं कि उत्तर रामचरित है तो किस काल का होगा, तो रामायण कालीन है, ऐसे आराम समझ सकते, सरल है। मेघदूत का प्रमुख पात्र है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेघदूत का प्रमुख पात्र वो ही रचना है जो आपके एग्जाम के लिए TGT PGT के सिलेबस में आती हैं, TGT PGT में पूछी जाती हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सारी टेस्ट सीरीज हमारी बनी है कि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी विषय आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना, 95% आपके विषय की टेस्ट सीरीज हमारे उस पर उपलब्ध हो चुकी हैं, 5% के लिए काम चल रहा है, पूरी बोर कंप्लीट होने वाली हैं, उस पूरा आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है, लेट ना करें, प्रतिदिन टेस्ट लगाना शुरू कर दें। मेघदूत का प्रमुख पात्र आपसे पूछ लिया जाए तो यक्ष कौन है, यक्ष, ठीक है ना, वही तो मेघ को दूत बना करके अपने प्रेमी के पास संदेशा इसमें भेजा जाता है मेघदूत में, ठीक है ना, यक्ष यक्षिणी रहते हैं, बिछुड़ जाते हैं श्राप के कारण, श्राप मिल जाता है उन्हें। नंदिनी गाय से प्रसन्न, नंदिनी गाय ने, इसको ना कर लेना, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, किस चीज़ का दिया, अभी पहले आपकी यदि स्मरण शक्ति जा रही हो तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंदिनी की सेवा की थी, किसने की थी, राजा दिलीप ने, क्यों की थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए की थी,
तो प्रसन्न होकर के क्या वरदान दिया था, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? लघुत्रयी याद रखना, बृहत्त्रयी याद रखना। और इसके लिए हमने एक वीडियो में क्लास पढ़ा रहा था, जो हमारी ऐप पर भी क्लासें लगती हैं उनमें भी आपको बताया था कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब बृहत्त्रयी की बात आए तो अधिकतर वो तीन रचनाओं के साथ एक रचना लिख देते हैं कालिदास की, वो कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती। और लघुत्रयी में तीनों कालिदास की रचनाएं ही आती हैं, इसके अलावा अन्य किसी कवि की लिखी हो तो अलग कर दो, ट्रिक है। तो कृतार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित, ये क्या बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने वीडियो, नहीं तो कर दें, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो ऐसे प्रश्न और आपके लिए लेकर के आएंगे, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। तो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, वह अंक है चतुर्थ अंक। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की? रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण लिखा गया तो कालिदास जी ने किसकी उसमें वंदना की है? तो बिल्कुल सही, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव और पार्वती की वंदना की गई है, ठीक है ना। उत्तर रामचरित का प्रमुख रस है, कई बार हम चार ऑप्शन क्यों नहीं बोलते पता है ना, इसलिए नहीं बोलते, कई बार मैंने देखा कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बोलो और क्या पता कौन सा ऑप्शन बैठ जाए, तो उन्हें लगे हाँ सर ने पढ़ाया तो था वो था नहीं, इसलिए मैं परफेक्ट आंसर बताता हूँ, चार आप देख लें, सोच लें, उत्तर दें, उसके बाद मैं परफेक्ट बता देता हूँ, इसलिए चारों उसको नहीं बोलता हूँ। तो उत्तर रामचरित का प्रमुख रस आपको हम पहले ही बता चुके हैं, करुण रस प्रधान है, ठीक है ना। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था, किस विधि से हुआ था? अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा है कि शकुंतला जो थी उसका दुष्यंत के साथ कौन सा विवाह हुआ था, तो वह हुआ था गंधर्व रीति से, ठीक है ना। वो तो ऐसे ही आए थे, टहलते हुए देखा, उस पर मोहित हो गया, गंधर्व विवाह हुआ और फिर वापस चले गए, तो ऐसा होता था पहले के समय। कादंबरी है, कादंबरी क्या है जल्दी से बता दें, आख्यायिका है या कहानी, कोई नाटक है, कोई चंपू काव्य है, चंपू काव्य कहते हैं जहाँ गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है ना, गद्य भी हो जिसमें पद्य भी हो, वो चंपू कहलाता है, या नाटक। तो आपको बता दें कादंबरी क्या है, कथा है, क्या है, कथा है कादंबरी। कादंबरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है, विदिशा किस राजा की राजधानी थी कादंबरी के अनुसार आपको बतलाना है। तारापीठ, चंद्रापीठ नहीं है, सुकना, शूद्रक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शूद्रक। कृतार्जुनीयम में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? आप हर ग्रंथ के सर्ग तो याद कर ही लेना जो आपके चैप्टर में, ठीक है ना। इस बार आपको जरूर टीजीटी पीजीटी में सफलता मिलेगी, दम से पढ़ाई करें, बाकी सारे कामों को छोड़ करके एक ही लक्ष्य रख लें कि हम यदि टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक पोस्ट हमें मिलनी चाहिए, पीजीटी की कर रहे हैं तो बस पोस्ट पक्की, दोनों की कर रहे हैं तो दोनों में मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो एक में तो चाहिए ही है। पढ़ाई कीजिए, टेस्ट लगाइए, पढ़ाई कीजिए, टेस्ट लगाइए, इतना आप करते रहेंगे जिससे सफलता मिलेगी, ठीक है। चलें तो अब देखते हैं कृतार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं, तो आपको बता दें 18 सर्ग हैं टोटल, कितने हैं 18। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया चैट में मेरे से बात करते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज लेने के बाद उनका अनुभव बहुत अच्छा हुआ है। कुछ दोस्त बोले सर अब मैं डेली पढ़ भी रहा हूँ, साथ में टेस्ट भी लगा रहा हूँ उस चैप्टर का, तो मुझे पता चल रहा है मेरी किस चैप्टर में मुझे कमजोरी है, मैं कहाँ गलत कर रहा था, तो ये अभ्यास से पता चलेगा, ठीक है। आपने पढ़ा तो है लेकिन आकलन कहाँ होगा, तो आकलन होगा टेस्ट सीरीज में। तो महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है ना, महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान कौन से वन में बनाया था, मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आपके माध्यम से कमेंट में दिया जाए, कमेंट में आप उस प्रश्न का उत्तर देना, अगले वीडियो में इसके आगे उसका उत्तर हम बताएंगे, आप देखते हैं कितने दोस्त सही बताते हैं, उनके उत्तर को लाइक किया जाएगा। आप अभी तक ना डाउनलोड कर पाए हो किसी कारणवश तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए, टॉप 50 स्टडी सर्च कीजिए, हमारे ऐप को तुरंत आप जा कर के एक बार डाउनलोड कर लीजिए, अभी तक वैसे कर लिया होगा, निरंतर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है
कि पूरी टेस्ट सीरीज बहुत सारे दोस्त आपके ले चुके हों, तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं छूट ना जाएं। विशेष ऑफर केवल 129 रुपये में 2500 प्लस प्रश्नों की संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको संस्कृत की मिल रही है, तो आप लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगले वीडियो में और कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे, जुड़े रहिए। जय हिंद।